मेरे हालात खराब है या मैं दुखी हूँ, इसीलिए मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। एक जगह रुक जाने से आपके हालात ठीक नहीं होंगे, बल्कि दिन प्रतिदिन और कठिन होते चले जाएंगे। अरे अगर तुम्हारे हालात खराब है तो फिर तो आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि खराब हालात को देखकर बेचारा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन सफल व्यक्ति कभी नहीं। दोस्तों, दूसरा कोई आपकी मदद करने कभी नहीं आएगा, ये बात आप जल्द से जल्द समझ लो तो ही अच्छा है। किसी ने कितना खूब कहा है, जितना आप अपने काम को करने के लिए कठोर रहोगे उतना ही आपकी जिंदगी आसान होती रहेगी, और जितना अधिक आप अपने काम को टालते रहेंगे उतनी ही जिंदगी आपकी कठोर होती चली जाएगी। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, जिंदगी में हमेशा वह मिलेगा जो हर हाल में आपको चाहिए। दोस्तों, ये दुनिया का कड़वा सच है, जितनी तेजी से तुम सफलता पाने के लिए भागोगे उतनी तेजी से लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए भागेंगे। जिस चीज़ को बदलना आपके बस में नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करना भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन सपनों को पूरा करने की आप में हिम्मत है उस काम को आप खुद को झोंक दीजिए, यह जीवन का सार है। कठिन सवालों व कठिन कामों से कभी हार ना माने, आपको फिर अपनी फील्ड में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है। बहुत कुछ बदलता है रोज़, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने के लिए बदलता हूँ तरीके रोज़, मगर आगे बढ़ने के इरादे नहीं बदलते। हालात ऐसे ना रखो जो आपके सपने बदल दे, बल्कि सपने ऐसे रखो जो आपके हालात बदल दे। अब तक मेरे साथ खेल रही थी, लेकिन जिंदगी के साथ खेलने की बारी अब मेरी है। 22 साल की उम्र में IPS ऑफिसर बनने वाले सफेन हुसैन कहते हैं कि जब भी आपको लगे आप चारों ओर से गिर गए हो, जब भी लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, उस वक्त समझ लेना आपकी तकदीर बदलने वाली है। अगर परिस्थिति आपके खिलाफ है तो याद रखना आप सही जगह पर चल रहे हो, बस आप अच्छी सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको।